1941 में आज ही के दिन मशहूर अभिनेत्री साधना शिवदासानी का जन्म हुआ था। साधना ने अपने फिल्मी करियर की शुरुआत फिल्म अबाड़ा से की थी। अपने बालों के स्टाइल की वजह से साधना बहुत पसंद की गईं और उनका हेयर स्टाइल साधना कट के नाम से जाना जाता है। लव इन शिमला, मेरे महबूब, आरजू, वक्त, मेरा साया, इश्क पर जोर नहीं, परख, प्रेम पत्र, गबन, एक फूल दो माली और गीता मेरा नाम आदि इनकी बेहतरीन फिल्में हैं। 2002 में साधना को अंतर्राष्ट्रीय भारतीय फिल्म अकादमी यानी आईफा की ओर से लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार से नवाजा गया। और 1945 में आज ही के दिन दूसरे विश्व युद्ध के दौरान जापान ने बिना किसी शर्त आत्मसमर्पण किया था। जापानी अधिकारियों ने मित्र सेनाओं के करीब 50 जनरलों और उच्च अधिकारियों की मौजूदगी में आत्मसमर्पण के कागजातों पर दस्तखत किए और इसी के साथ 6 वर्षों से चल रहा दूसरा विश्व युद्ध औपचारिक रूप से खत्म हो गया। 6 अगस्त को अमेरिका ने युद्ध के दौरान मानव इतिहास में पहली बार जापान के हिरोशिमा शहर में परमाणु बम गिराया था। दूसरा बम 3 दिन बाद नागासाकी शहर पर गिराया गया। जापान के सम्राट हिरोहितो ने युद्ध के दौरान जापानी अधिकारियों और सैनिकों की ओर से किए गए सारे अपराधों की जिम्मेदारी खुद लेने का प्रस्ताव किया, लेकिन यह प्रस्ताव पारित नहीं हुआ। 1946 में आज ही के दिन भारत में पहली अंतरिम सरकार का गठन हुआ था। वैसे तो माउंटबेटन इस सरकार के मुखिया थे और भारत में सेनाओं के सर्वोच्च सेनापति भी, लेकिन बाकी सभी अधिकार इस सरकार में शामिल भारतीयों के पास थे। जवाहरलाल नेहरू इस सरकार में उपराष्ट्रपति थे, जिनके पास प्रधानमंत्री के सभी अधिकार थे। इस सरकार में आंतरिक सुरक्षा और सूचना प्रसारण मंत्रालय की जिम्मेदारी सरदार वल्लभ भाई पटेल के पास थी। मुस्लिम लीग की तरफ से अंतरिम सरकार में लियाकत अली थे, जिनके पास देश के वित्त मंत्रालय का प्रभार था। न्याय मंत्री के लिए मुस्लिम लीग ने अपने कोटे से एक हिंदू दलित जोगिंदर नाथ मंडल को नामित किया था। 1969 में आज के दिन न्यूयॉर्क में ऑटोमेटिक टेलर मशीन यानी एटीएम को आम जनता के सामने पेश किया गया था। यह पहल केमिकल बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए शुरू की थी। वैसे तो एटीएम बनाने की कोशिश कई लोगों ने की, लेकिन सफलता डॉन वेटजेल को मिली। हालांकि शुरुआत में उनकी मशीन से सिर्फ कैश ही निकलता था। 1980 तक अमेरिका के ज्यादातर शहरों में एटीएम लग चुके थे। इनमें पैसे निकालने के अलावा जमा और ट्रांसफर भी करने की सुविधा थी। भारत में पहली एटीएम मशीन 1988 में मुंबई में लगी। 1991 में भारत में बड़े वित्तीय सुधार हुए। इसी दौरान कई निजी बैंक भी बाजार में आए। आईटी और बैंकिंग सेक्टरों को बढ़ावा मिलने से भारत के कई बैंकों ने भी अपने एटीएम लगाने शुरू कर दिए। फिलहाल भारत में 1 लाख से ज्यादा एटीएम हैं। दुनिया भर में इस समय 10 लाख से ज्यादा एटीएम हैं। दुनिया में हर 5 मिनट में एक एटीएम लगाया जाता है।